मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सैंडलों की बारिश की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। सुंदरगढ़ राज्य में राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। राधा बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की थी। राधा की माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, राधा की माँ काम करके जब घर लौट रही थी तभी अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है और वो देखती है कि बारिश के पानी में एक बहुत ही चमचमाती चीज बह रही है। अरे, इस बारिश के पानी में ये चमकदार चीज क्या है? जब वो पास जाकर देखती है तो वो किसी राजकुमारी की चमचमाती हीरो से सजी सैंडल होती है। राधा की माँ उस सैंडल को उठाकर अपने घर ले आती है। राधा बेटी, ये देखो मुझे क्या मिला है। माँ, ये सैंडल तो बहुत कीमती है और इस पर हीरे भी लगे हुए हैं। इतनी महंगी सैंडल तो किसी राजकुमारी के ही हो सकते हैं। हाँ, पर ये सैंडल तो एक ही है, क्यों ना हम इसे शहर ले जाकर बेच दे, इससे हमें खूब सारे पैसे मिल सकते हैं। नहीं माँ, ये सैंडल हमारा नहीं है तो इसे बेचने का हक भी हमारा नहीं है। मैं कल ही राज दरबार में जाकर राजकुमारी रागिनी को ये सैंडल दे दूंगी, उनका ही होगा, अधिक बारिश की वजह से पानी में बह गया होगा। और देखना माँ, वो खुश होकर जरूर हमें कुछ ना कुछ इनाम तो जरूर देंगे। पर बेटा, ये एक सैंडल है, अगर उसने दूसरा भी मांगा फिर क्या होगा? अरे मेरी प्यारी माँ, तुम चिंता मत करो, वो दूसरे सैंडल नहीं बल्कि खूब सारा इनाम देंगी मुझे। तुम कहती हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ, पर जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अरे माँ, ज्यादा मत सोचो और अब तुम सो जाओ। अगली सुबह राधा उस सैंडल को लेकर राज दरबार में पहुँचती है। राजकुमारी रागिनी, कोई आपसे मिलने आया है, अंदर ले आओ। राधा अंदर आकर राजकुमारी को वो सैंडल देती है। सैंडल को देख राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा सैंडल है जो कि खो गया था। मैं इसके लिए कितनी परेशान थी। तुम्हें पता है, ये सैंडल मुझे मेरे जन्मदिन पर परी ने गिफ्ट दी थी। लाओ दो मेरी सैंडल। राजकुमारी राधा के हाथ से सैंडल ले लेती है। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ एक ही है, दूसरे सैंडल कहाँ है? ये क्या मजाक है, मुझे मेरे दूसरे सैंडल भी दो। पर राजकुमारी, मेरी माँ को तो सिर्फ एक सैंडल ही मिले हैं और मैं दूसरा कहाँ से लेकर आऊँ। बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तो माँ बेटी ने। पहले तो तुमने मेरी सैंडल चुरा ली और अब मेरा ही सैंडल लेकर मुझसे ही इनाम लेने चली आई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा दूसरा सैंडल भी ला कर दो, तुमने ही मेरी सैंडल चुराई है। राधा के लाग समझाने पर भी राजकुमारी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो कहती है, तुम्हारे पास दो दिन की मोहलत है, दो दिन के अंदर या तो मेरी सैंडल लाकर दे दो या फिर सजा के लिए तैयार रहो। इतना बोलकर राजकुमारी उससे जाने को कहती है। माँ ने बिल्कुल सही कहा था, अब मैं क्या करूँ, सैंडल का दूसरा जोड़ा अब कहाँ मिलेगा और मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। राधा बहुत दुखी मन से घर आती है। मिल गया तुझे इनाम, सैंडल तो तू दे ही आई होगी, पर तेरा मुँह क्यों उतरा हुआ है? राधा फिर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब क्या होगा माँ, दूसरी सैंडल अब कहाँ से लाऊंगी मैं? मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, अब फंस गए ना हम, अब हमारी बातों पे कौन यकीन करेगा, लोग तो हमें ही चोर समझेंगे। ऐसा मत कहो माँ, कुछ तो करो, मैं अपने ऊपर ये चोरी का इल्जाम बिल्कुल भी नहीं सह सकती, अब इस मुसीबत से तो ऊपर वाला ही निकाले। इतना बोलकर उसकी माँ सो जाती है। राधा को पूरी रात नींद नहीं आती है, वो सोच रही होती है, आखिर ईमानदार लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो उनकी चीज उन्हें लौटा रही थी और उन्होंने ही हमें चोर समझ लिया, अब मैं अपने आप को सही कैसे साबित करूं? अगले दिन राधा एक तालाब के किनारे उदास बैठी होती है।
अब कल मुझे दरबार में फिर से बुलाया जाएगा और सबके सामने मुझे चोरी के इल्जाम में सजा दी जाएगी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की और आज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। राधा की बातें सुनकर तालाब में से एक जलपरी बाहर आती है और वो राधा से उसके समस्या पूछती है। राधा उसे सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना बोलकर जलपरी खूब सारे सैंडलों की बारिश कर देती है, लेकिन उन सभी सैंडलों में से राजकुमारी के उस सैंडल का दूसरा जोड़ा नहीं होता। राधा ये देखकर फिर उदास हो जाती है। जलपरी जी, इन सारे सैंडलों में वो सैंडल तो है ही नहीं जो मुझे चाहिए। फिर मैं इन सारे सैंडलों का क्या करूँगी? आप इन्हें वापस ले लो। और वैसे भी आप मुझे वैसा सैंडल दे ही देंगी तो उससे मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम तो नहीं खत्म होगा। जलपरी को राधा पर बहुत दया आती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो राधा, मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। राधा फिर उदास मन से घर आ जाती है। अगले दिन उसे राज दरबार में बुलाया जाता है। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है मेरी सैंडल नहीं दोगी? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरी एक सैंडल बेच दी हो? राजकुमारी, मेरा यकीन करे, मैंने आपके सैंडल नहीं चुराए हैं। तुम जैसे लोगों का यकीन नहीं बल्कि उन्हें सजा दी जाती है। रुक जाओ राजकुमारी, बिना सच्चाई को जाने किसी को सजा देने का हक आपको नहीं है। आप नहीं जानते परी जी, इसने आपकी दी हुई मेरी सैंडल चुराई है। मैं सब जानती हूँ राजकुमारी, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सैंडल आपने अपने लापरवाही की वजह से जंगलों में खो दी थी। वो तो एक सैंडल बारिश में बहते बहते राधा की माँ को मिल गया, तो वो बेचारी उसे आपको लौटाने आई थी। आपको उसको धन्यवाद करने की जगह उसे सजा सुना रही हो। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मैंने बिना सच्चाई जाने एक निर्दोष को सजा देने जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राधा, तुम भी मुझे माफ कर दो। राजकुमारी जी, आप माफी मत मांगो। आपको सच का पता चल गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। इसके बाद राधा हंसी खुशी अपने घर लौट गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे नए चैनल कुकू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।